एक ऐसी जगह को इमेजिन करें जहां ग्रेविटी इतनी इंटेंस या शदीद है कि लाइट भी नहीं निकल सकती। स्पेस का एक ऐसा रीजन जहां फिजिक्स के सारे नोन लॉज टूट जाते हैं और रियलिटी की हमारी समझ से पर्दा उठना शुरू हो जाता है। यह एक ब्लैक होल है, एक कॉस्मिक ऑब्जेक्ट जो इतनी मिस्टीरियस है कि इसने एक सदी से भी ज्यादा अरसे से साइंसदानों को उलझन में डाल रखा है। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम कायनात के सबसे ज्यादा दिलचस्प और मिस्टीरियस फेनोमेना में से एक ब्लैक होल्स के बारे में गहराई से गोता लगाने जा रहे हैं। इन कॉस्मिक रहस्यों ने स्पेस, टाइम और रियलिटी के बारे में हमारी अब तक की समझ को पूरी तरह से चैलेंज करते हुए साइंसदानों की इमेजिनेशन को यकसां गिरफ्त में ले लिया है। एग्जैक्टली ब्लैक होल क्या है, वे कैसे बनते हैं और उन्हें यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्यों माना जाता है, इस वीडियो में हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फैसिनेटिंग साइंस और उन दिलकश थ्योरीज की खोज करेंगे जो ब्लैक होल को पूरे एस्ट्रोनॉमी में सबसे सम्मोहक सब्जेक्ट्स में से एक बनाते हैं। तो आइए ब्लैक होल्स की हैरत अंगेज दुनिया की तलाश में आगे बढ़ते हैं। ब्लैक होल को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि वह वजूद में कैसे आते हैं। एक्चुअल में ब्लैक होल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हर एक की अपनी यूनिक ओरिजिन स्टोरी होती है। आइए सबसे पहले स्टेलर मास ब्लैक होल से शुरू करते हैं। ये उन मैसिव स्टार्स के अवशेषों से बनते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर लिया है। जब ऐसे तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो यह ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ खुद को संभाल नहीं पाता। इससे वह तारा अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स कर जाता है, जिसके नतीजे में एक सुपरनोवा धमाका होता है। इसके पीछे जो रह जाता है वह इतना घना और कॉम्पैक्ट होता है कि वह एक ब्लैक होल बन जाता है। नेक्स्ट ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो हमारी मिल्की वे सहित गैलेक्सीज के सेंटर्स में रहते हैं। इन जायंट ब्लैक होल्स का द्रव्यमान हमारे सूरज से लाखों से लेकर अरबों गुना तक है, लेकिन वे कैसे बनते हैं यह अभी भी एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। कुछ थ्योरी से पता चलता है कि वे दूसरे ब्लैक होल के साथ मर्ज कर या अरबों वर्षों में भारी मात्रा में पदार्थ जमा करके बढ़ते हैं। इसके बाद प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स आते हैं, जिनके बारे में भी एक फैसिनेटिंग हाइपोथेसिस है। ये अर्ली यूनिवर्स में डेंसिटी फ्लक्चुएशंस से बिग बैंग के तुरंत बाद बन सकते हैं। स्टेलर मास और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बरक्स प्राइमर्डियल ब्लैक होल बहुत छोटे हो सकते हैं और डार्क मैटर के बारे में क्लूज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हर किस्म का ब्लैक होल स्टार्स के डेथ से लेकर गैलेक्सीज के बर्थ तक और मुमकिन तौर पर यूनिवर्स के नेचर तक कॉस्मिक स्टोरी का एक डिफरेंट पार्ट बताता है। ब्लैक होल्स न सिर्फ इसलिए दिलचस्प हैं कि वह कैसे बनते हैं, बल्कि अपने माइंड बेंडिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी आकर्षक हैं। इनको समझने के लिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स फिजिक्स में गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है। अल्बर्ट आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ब्लैक होल्स के एक्सिस्टेंस को प्रेडिक्ट किया था। इस थ्योरी के मुताबिक मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देती हैं। सेंटर में रखी हुई एक भारी गेंद के साथ एक ट्रैम्पोलिन को इमेजिन करें। गेंद एक डीप क्रिएट करती है जो इसके इर्द गिर्द की सतह को मोड़ती है। ठीक इसी तरह एक ब्लैक होल स्पेस टाइम को इतनी शिद्दत से मोड़ता है कि कोई भी चीज, यहाँ तक कि लाइट भी, जो बहुत करीब आ जाए तो इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। वह सीमा या बाउंड्री जिसके पार कुछ भूत ब्लैक होल की पकड़ से बच नहीं सकता, इवेंट होरिजोन कहलाता है। एक बार जब कोई चीज इस पॉइंट को पार कर जाती है तो वह हमेशा के लिए ब्लैक होल में खो जाती है। इस तरह इवेंट होरिजोन बुनियादी तौर पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न को मार्क करता है। किसी ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में विलक्षणता होती है। यह एक ऐसा पॉइंट है जहां डेंसिटी लामहदूद हो जाती है और फिजिक्स के नियम अप्लाई होना बंद हो जाते हैं। यही वह जगह है जहां पर यूनिवर्स के बारे में इंसान की अब तक की अंडरस्टैंडिंग टूट जाती है। यह स्पेस टाइम और अनइमेजिनेबल ग्रेविटेशनल फोर्सेज में इन्फिनिट कर्वेचर या लामहदूद घुमाव की जगह है।
लेकिन ब्लैक होल्स पूरी तरह से इनविंसिबल नहीं है। 1970s में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने तजवीज पेश की थी कि ब्लैक होल इवेंट होरिजोन के पास क्वांटम इफेक्ट की वजह से रेडिएशन उत्सर्जित कर सकते हैं। यह एक ऐसी फिनोमेना है जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे मास और एनर्जी खो सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स रियलिटी के बारे में हमारे परसेप्शन को चैलेंज करते हैं और साइंटिफिक इंक्वायरी और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अपनी मिस्टीरियस नेचर के बावजूद ब्लैक होल्स हमारे लिए पूरी तरह से इनविजिबल नहीं है। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने या पता लगाने का तरीका आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस को ऑब्जर्व करना है। बाइनरी स्टार सिस्टम में एक ब्लैक होल को एक कंपेनियन स्टार या साथी तारे पर खींचते हुए देखा जा सकता है, जिससे वह एक विशिष्ट तरीके से ऑर्बिट में घूमता है। साथ ही साथी तारे का पदार्थ भी ब्लैक होल की तरफ खींच जाता है, जिससे एक क्रिएशन डिस्क बनती है जो कि गैस और धूल का एक घूमता हुआ द्रव्यमान होता है जो अंदर की ओर सर्पिल होने पर गर्म होता है और एक्सरे उत्सर्जित करता है। ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने के एक दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग मेथड में उन ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाना शामिल है जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स के एक्सेलरेशन की वजह से स्पेस टाइम में पैदा होती है, जैसे कि जब दो ब्लैक होल्स आपस में मिल जाते हैं। इन वेव्स को पहली बार 2015 में लीगो और वर्गो ऑब्जर्वेटरीज से सीधे देखा गया, जिससे यूनिवर्स के स्टडी करने के एक नया तरीका खुलने के साथ साथ ब्लैक होल्स का डायरेक्ट एविडेंस फराहम हुआ। और 2019 में उस हिस्टोरिक मोमेंट को कौन भूल सकता है जब इवेंट होरिजोन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की पहली इमेज जारी की थी। इस रिमार्केबल अचीवमेंट ने हमें गैलेक्सी M87 में सुपर मैसिव ब्लैक होल के सिल्हूट की सीधी झलक दी, जिसमें क्रिएशन डिस्क के आसपास की ग्लोइंग लाइट के अगेंस्ट इवेंट होरिजोन का डार्क शैडो दिख रहा था। इन ऑब्जर्वेशनल ब्रेकथ्रूज ने न सिर्फ ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस को कन्फर्म किया बल्कि इससे हमें उनके प्रॉपर्टीज का डिटेल में स्टडी करने में मदद मिली। ब्लैक होल्स ने न केवल वैज्ञानिकों को मोहित किया है बल्कि इसने स्टोरी टेलर्स, फिल्म मेकर्स और फनकारों को भी इंस्पायर किया है। इंटरस्टेलर जैसी फिल्में हमें ब्लैक होल्स के अंदर और उसके आसपास के सनसनीखेज सफर पर ले जाती हैं। इंटरस्टेलर में भौतिक विज्ञानी किप थॉर्न के कैलकुलेशंस के आधार पर ब्लैक होल का साइंटिफिकली सटीक चित्रण किया है। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स ने स्पेस टाइम वार्पिंग और इवेंट होरिजोन के कॉन्सेप्ट को सामने लाया, जो ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और हैरत को बहुत बढ़ा देता है। लेकिन बड़े मिस्ट्रीज के साथ बड़ी मिसकंसेप्शंस भी आती हैं। मिसाल के तौर पर यह ख्याल कि ब्लैक होल्स एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह हर चीज को सोख लेता है एक कॉमन मिथ है। हकीकत में आप किसी भी दूसरे मैसिव ऑब्जेक्ट की तरह ही ब्लैक होल का चक्कर लगा सकते हैं, बशर्ते आप इवेंट होरिजोन से सेफ डिस्टेंस बनाए रखें। रिसेंट ऑब्जर्वेशंस से ब्लैक होल्स के डाइवर्स साइज और बिहेवियर के बारे में और अधिक पता चला है। थ्योरेटिकली कुछ भौतिकविदों का अनुमान है कि वर्म होल यूनिवर्स के दूर के हिस्सों को जोड़ने वाली सुरंगों के प्रवेश द्वार हो सकते हैं। हालांकि ये विचार अभी भी साइंस फिक्शन के दायरे में है, लेकिन इनकी बुनियाद सीरियस साइंटिफिक इंक्वायरी पर टिकी है। हॉकिंग रेडिएशन पर रिसर्च लगातार जारी है। अगर ब्लैक होल्स इस रेडिएशन का उत्सर्जन करते हैं और आखिरकार वाष्पित हो जाते हैं, तो यह क्वांटम मैकेनिक्स की हमारी समझ और ब्लैक होल्स के बारे में इंफॉर्मेशन पर गहरा असर डाल सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर सिमुलेशन और उन्नत मॉडल वैज्ञानिकों को वेरियस कॉस्मिक सिनेरियो में ब्लैक होल्स के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद कर रहे हैं। ये अध्ययन न केवल ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ को बढ़ाते हैं बल्कि यूनिवर्स के बारे में व्यापक प्रश्नों में भी योगदान करते हैं। जैसे ही ब्लैक होल्स की एनिग्मेटिक वर्ल्ड से अपनी जर्नी समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट हो जाता है कि वे ब्रह्मांड में सबसे आकर्षक और जटिल वस्तुओं में से एक हैं। वे हमारी समझ को चुनौती देते हैं, हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं और रियलिटी के बारे में हम जो जानते हैं उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। हमें उम्मीद है कि ब्लैक होल्स के ऊपर बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।